अध्याय में बिलियन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तुमने अब तक 9 अंकों से बनने वाली संख्याओं को पढ़ना सीखा है, अब तुम इनसे बनने वाली संख्याओं को लिखना भी सीखोगे। बच्चों, अभी तक आप लोग 9 अंकों तक की संख्याओं को पढ़ना सीखे हैं, अब 9 अंकों तक की संख्याओं को कैसे लिखा जाएगा इसको सीखेंगे। जैसे संख्या है 56,07,23,048 पर विचार करो। यह संख्या 56,07,23,048 को प्रकट करती है। इनको हम निम्नलिखित नियमों से स्थानीय मान सारणी में इस प्रकार दिखा सकते हैं। तो बच्चों देखिए, नीचे स्थानीय मान की सारणी दी गई है कि कौन से स्थान पर क्या होता है, यहाँ सारणी में दिखाया गया है। जैसे एक स्थान होता है इकाइयाँ, इकाइयाँ में 3 स्थान होते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। हजार में 2 स्थान होते हैं, एक होता है 1,000, एक होता है 10,000। उसी तरह से लाख में एक होता है 1,00,000, दूसरा स्थान होता है 10,00,000 का। करोड़ में एक स्थान होता है 1,00,00,000 का और दूसरा होता है 10,00,000,000 का। तो बच्चों, इस तरह से हम सभी स्थानों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। अब है हमको लिखना है 56,00,000,000। तो बच्चों देखिए, 56,00,000,000 जो है इसमें 2 अंक है, 5 और 6। तो 5 को हम 10,00,000,000 की जगह लिखेंगे और 6 को 1,00,000,000 की जगह लिखेंगे, ये हो गया 56,00,000,000। उसके बाद 7,00,000। बच्चों 7,00,000,000 जो है ये 10,00,000,000 से कम है, तो 10,00,000,000 की जगह हम 0 लिखेंगे और 1,00,000,000 के स्थान पर 7 लिखेंगे। उसके बाद है 23,000। बच्चों ये 10,000 से ज़्यादा है, इसका मतलब 1,000 और 10,000 दोनों की जगह लिखा जाएगा, तो 10,000 की जगह हम लिखेंगे 2, 1,000 की जगह लिखेंगे 3। उसके बाद है 48। तो बच्चों 48 में, 48 के पहले सैकड़ा नहीं लिखा गया है, तो सैकड़ा की जगह हम 0 लिखेंगे। 48 है तो 48 का मतलब 4 दहाई है और 8 इकाई, तो दहाई की जगह 4 लिखेंगे और इकाई की जगह 8 लिखेंगे। खाली स्थानों पर हम 0 लिखते हैं। बच्चों संख्याओं को लिखते समय जो जगह खाली होती है वहाँ हम 0 लिखते हैं। बच्चों देखिए, आगे है, अतः 56,07,23,048 का अंकीय रूप, इसका मतलब कि 56,07,23,048 को हम अंक में इस तरह से लिखेंगे, उसका अंकीय रूप यही है। इसी प्रकार सभी संख्याओं को अंकों में लिखा जाता है। बच्चों इसी तरीके का इस्तेमाल करके, इस सारणी का इस्तेमाल करके प्रयोग करते हुए हम आगे की संख्याओं को अंकों में लिखेंगे। उदाहरणार्थ बच्चों देखिए, उदाहरण के तौर पर दिया गया है शब्दों में, यहाँ शब्दों में लिखा गया है 5,09,028। तो 5,09,028 को देखिए अंकों में लिखा गया है, करोड़ के स्थान पर 5 लिखा गया है। तो बच्चों देखिए, 5,00,000,000 के बाद इसमें लाख नहीं है, लाख का एक भी स्थान नहीं है, तो लाख के जो 2 स्थान है यहाँ पर दोनों जगह 0 लिख दिया गया है। उसके बाद 9,000 है, 9,000 ये 10,000 से कम है, तो 10,000 की जगह 0 लिख दिया गया है और उसके बाद 1,000 की जगह 9 लिखा गया है। उसके बाद है 28। बच्चों 28 के पहले सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा की जगह हम देखिए
यहाँ जीरो लिखा गया है और 28 का मतलब दो दहाई और 8 इकाई। इसी तरह से है 83,60,05,000। बच्चों देखिए यहाँ लिखा है 83 करोड़ का मतलब ये 10 करोड़ से अधिक है, इसका मतलब करोड़ और 10 करोड़ दोनों स्थान पर लिखा जाएगा, तो 10 करोड़ की जगह 8 और करोड़ की जगह 3, ये हो गया 83 करोड़। उसके बाद आता है 60 लाख, उसके पहले है 60 लाख। तो देखिए ये 60 लाख, ये 10 लाख से अधिक है, तो 10 लाख की जगह हम लिखेंगे 6 और लाख की जगह 0। उसके बाद है 5,000। बच्चों ये 5,000 10,000 से कम है, तो 10,000 की जगह हम लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 1,000 की जगह 5। 5,000 के बाद सैकड़ा दहाई इकाई नहीं है, तो हम तीनों स्थान पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो बच्चों इसके बाद आप लोग अगला पेज खोलें। बच्चों देखिए उसी तरह से है तीसरा 9,65,000। बच्चों देखिए 9 करोड़, तो इसमें हमको 10 करोड़ के पास जाने की जरूरत नहीं है, 10 करोड़ के स्थान तक हम नहीं जाएंगे, 9 करोड़ पहले है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9। ये 9 करोड़ जो है ये करोड़ का स्थान है, इसके इधर 10 करोड़ का स्थान है, तो हम करोड़ के स्थान पर लिखेंगे 9। उसके बाद लिखा 65, 65 का मतलब 5, 2, 6 का, ये इकाई और दहाई है, करोड़ और इकाई दहाई के बीच में लाख 1,000 ये नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करोड़ के पहले लाख, इसका मतलब लाख और 10 लाख दोनों जगह खाली है, तो दोनों जगह 0 लिखेंगे, 1,000 और 10,000 की जगह खाली है, तो यहाँ हम दोनों जगह 0 लिखेंगे। उसके बाद 65 है, 65 के पहले सैकड़ा नहीं है, तो सैकड़ा की जगह हम 0 लिखेंगे, उसके बाद 6, 2, 5, 1। अगला है 87,09,46,000। तो बच्चों देखिए यहाँ 87 करोड़, ये 10,000 से अधिक है, तो 87 करोड़ का मतलब, 87 का मतलब 8 और 7, तो 8 हम 10 करोड़ के स्थान पर लिखेंगे और 7 जो है ये 1 करोड़ के स्थान पर लिखेंगे, तो ये हो गया 87 करोड़। उसके बाद है 9 लाख। बच्चों यहाँ 10 लाख से कम संख्या है, तो 10 लाख की जगह हम 0 लिखेंगे और 1 लाख के स्थान पर 9 लिखेंगे। उसके बाद है 46,000। बच्चों 46,000 ये 10,000 से अधिक है, तो 46 का मतलब 4 और 6, तो 10,000 के स्थान पर 4 लिखेंगे और 1,000 के स्थान पर 6 लिखेंगे। तो 46,000 के बाद बच्चों सैकड़ा इकाई दहाई कुछ नहीं है, तो हम तीनों स्थान पर 0 लिखेंगे। पांचवा है 7,05,03,400। बच्चों ये 7 करोड़, तो हम पहले लिखेंगे करोड़ के स्थान पर 7, 5 लाख। बच्चों ये 10 लाख से कम संख्या है, तो 10 लाख की जगह 0 लिखेंगे, 1 लाख की जगह 5 लिखेंगे। उसी तरह से 3,000, 3,000 का मतलब ये 10,000 से कम है, तो 10,000 की जगह लिखेंगे 0 और 1,000 की जगह लिखेंगे 3। उसके बाद 400, सैकड़े की जगह है 400, तो सैकड़े के स्थान पर 4 लिखेंगे और दहाई और इकाई की जगह 0 लिखेंगे। तो बच्चों अभी तक जो हमने समझाया है, जो उदाहरण दिया गया है किताब में, जो तरीका हमने बताया है, इसी का प्रयोग करते हुए आप लोग अपनी कॉपी में अभ्यास 2.1 को हल करें। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखो। बच्चों जैसे दिया गया 27,90,03,087, तो इस संख्या को जो शब्दों में लिखा गया है उसको आप लोग ऊपर जो तरीका बताया गया है इसी तरीके का प्रयोग करते हुए अभ्यास 2.1 को अपनी कॉपी में हल करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम अगले वीडियो में आप लोगों को अगला सबक लेकर फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।